जशपुर जिले में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथियों के आतंक से मौत बढ़ने के आंकड़े बढ़ते ही लगातार जा रहे हैं। वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जशपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि वन विभाग ने हाथियों से लोगों को बचाने के लिए शासन ने कई योजनाएं बनाई है, लेकिन धरातल पर इसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फॉरेस्ट विभाग खानापूर्ति करते हुए नजर आ रहा है। जहां पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि मीडिया की टीम ने दुलदुला वन विभाग परिक्षेत्र रेंज के चटकपुर में पहुंची। वहां पर हाथियों से संबंधित बड़े बड़े सांकेतिक जागरूकता के बोर्ड कबाड़ के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई दिए। जो हमने इस बारे में जानकारी लेना चाहिए तो जहां पर रेंजर निखिल पिंकरा ने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा क्षेत्र का मामला है, अगर ऐसी बात होगी तो संबंधित आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे मामले में किसकी लापरवाही और किसके ऊपर होगी कार्रवाई। बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में 5-6 दिन से हाथी का वितरण होता आ रहा है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट विभाग के द्वारा खानापूर्ति ही किया जा रहा है। फॉरेस्ट विभाग के लोग हमेशा मैं सुनता हूँ कि कभी पुलिस सहायता मांग रहे हैं लोगों को भगाने के लिए। अरे हाथी को सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से करना चाहिए कि हाथी कैसे लोगों के गाँव घर में नहीं। और आपको बताना चाहूँगा, बिस्मिल नेशनल हाईवे से लगा हुआ रिहायशी एरिया में जब हाथी प्रवेश करने लगी है तो आप लोग के पास क्या छुपी है? फॉरेस्ट विभाग की नाकामी स्पष्ट तौर से दिख रही है। जितने चारागाह की बात होता है कि हाथी रिजर्व बनाने का बात होता है, घास लगाने की बात होती है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिखता है। रिहायशी एरिया में हाथियाँ आने लगी है। मैं तो कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं पर ही ये फॉरेस्ट विभाग की बिल्कुल नाकामी है। 2-3 साल से ये देखने को मिल रहा है कि हाथी की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और हर गाँव घर में लोगों को दहशत, दिनों दिन 8-10 दिन के अंदर में 3-4 मौत और इसी क्षेत्र से होना ही दुर्भाग्य। जो वन विभाग आपका लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, हाँ सर, जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, और इसका आपके वन विभाग द्वारा बहुत सारे पोस्टर बैनर लाए गए हैं, और जो छपे हुए बैनर पोस्टर हैं वो आपके कार्यालय में सड़ रहे हैं, उस संदर्भ में कुछ बताएंगे? नहीं, बैनर पोस्टर तो ऐसा सड़ नहीं रहा, हाथी वाला, वो हम आपको दिखा भी देंगे, परंतु बैनर पोस्टर पड़े हुए हैं किसी काम के नहीं, उनको जिन जगहों पे लगना चाहिए था उन जगहों पे नहीं लगे, तो इसमें किसकी लापरवाही है अगर ऐसा है तो? अगर ऐसा पोस्टर पड़ा हुआ है तो फिर विभाग की लापरवाही है कि हमारे द्वारा उसको सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है ना। इसको अगर ऐसी है खबर तो उसको बंटवाया जाएगा, गाँव में चिपकाया जाएगा सभी महत्वपूर्ण जगह में। ये विपतपुर किस में आता है सर? विपतपुर का भी आई दुलदुला रेंज है। हाँ जी, तो ठीक है, ऐसे में आप क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? अब जो भी आरोपी हैं जी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, क्योंकि वन विभाग रात दिन लगे रहता है सुरक्षा में जी। हमारा काम है कि जनहानि कम से कम, इसीलिए हम रात दिन गश्ती करते हैं। जशपुर जिले से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।